एक के बाद एक सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू किया रूस ने, उन सैन्य ठिकानों पर कब्जा किया, चेर्नोबिल से लेकर कई सारे न्यूक्लियर प्लांट्स। और इसी के साथ आप बड़ी तस्वीर को समझिए तो एयरफील्ड्स का उसने जिस तरह से तबाह किया है, पेट्रोलियम बेसिस पर हमला किया, ओडिशा जैसे जो बिल्कुल ब्लैक सी के पास वाले शहर हैं उन पर कब्जा किया ताकि सहायता कम मिले उन्हें आसपास की जगहों से। हर तरह से पुतिन घेर कर एक रणनीति के तहत इस वक्त इस जंग को आगे ले जाते हुए, लेकिन कड़ा मुकाबला यूक्रेन भी दे रहा है, मुश्किल हो रही है और इस बात का अंदेशा था। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं किस तरह से लगातार, और ये हम लोग बीते दिन भी बात कर रहे थे कि कैसे कीव के लिए आज की रात भारी हो सकती है, वही परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ ये देखिए फायरिंग लगातार हो रही है। विशंबर दयाल जी जल्दी से अगर थोड़ा आप बताएं कि ये क्या होता हुआ दिख रहा है इन तस्वीरों में। देखिए जो कीव है उस पर भारी बमबारी हो रही है और ये जो जिस तरह से वहाँ जो रॉकेट्स हैं ग्रैड और मैं समझता हूँ स्मर्च रॉकेट जैसे जाते हैं, ये लगातार उनका फायर दिख रहा है जो कि कीव पर हो रहा है। और ये एक्सपेक्टेड था कि आज रात जो बीती रात है उस पर कीव पर भारी बमबारी होगी।